ये मेरे पीछे कुछ शरीफ लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, बॉलीवुड के बड़े खलनायक, असल जिंदगी में बड़े शरीफ आदमी। अजीत साहब के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत शरीफ इंसान थे असल जिंदगी में। मोगैम्बो खुश हुआ, तो सिमरन के बाबूजी बने थे ना DDLJ में, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, सुना होगा आपने। और कहते हैं फिल्मों में इनसे बड़ा विलन कोई नहीं था और असल जिंदगी में इनसे शरीफ आदमी कोई नहीं था। तो इनमें से ज़्यादातर खलनायक जो हैं वो असल जिंदगी के नायक थे। लेकिन आज बात एक ऐसे शख्स की जो पर्दे पर भी खलनायक, असल जिंदगी में भी खलनायक, और फिर वो पर्दे पर तो हीरो बना ही, असल जिंदगी में भी बहुत बड़ा हीरो साबित हुआ। संजय दत्त की बात हो रही है साहब। आप कहेंगे 308 गर्लफ्रेंड्स थी कहां से शरीफ, तो भैया उसका किस्सा ये है कि डायरेक्टर राजू हिरानी ने संजू बनाने के वक्त पूछा संजय दत्त से कि भैया कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। संजय दत्त ने ऐसे ही एक आंकड़ा बोल दिया 308, और बस वहीं से ये शुरू हो गया 308। देखिए बहुत कुछ ब्लैक है संजय दत्त की जिंदगी में, लेकिन बहुत कुछ व्हाइट भी है, बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को। आप पूरी कहानी सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि खलनायक नहीं नायक हूं मैं। देखिए सुनील दत्त साहब और नरगिस के बेटे थे। अब आप कहेंगे कि मम्मी पापा हीरो हीरोइन थे तो फिल्मों में तो बड़ी आसानी से आ गए होंगे। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में पढ़ाई में मन लगता नहीं था तो पापा से कहा कि फिल्मों में आना है। कैसे हीरो बने इसकी बात अभी बताता हूँ कि दत्त साहब ने क्या कहा हीरो बनने, लेकिन पहले जरा ड्रग्स की बात कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या, बचपन में अपने पापा को सिगरेट पीते देखते थे। मम्मी से कहा पापा पीते हैं मैं भी पीऊंगा। मम्मी ने पापा को बताया, दत्त साहब को बताया कि बेटा कह रहा है सिगरेट पिएगा। पापा ने कहा अच्छा ये ले पी ले। पापा को लगा बच्चा है अभी धुआं अंदर जाएगा और मना कर देगा, लेकिन संजय दत्त भी संजय दत्त थे, पूरी पी गए। पापा ने कहा ले बेटा एक और पी ले, दूसरी भी पी गए। उसके बाद पापा ने धूप में खड़ा कर दिया कि अबे गंदी हरकत करते हो, गंदी बात करते हो। ये पहला वाकया था और ये कहते हैं कश्मीर में दत्त साहब शूटिंग कर रहे थे तब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि दत्त साहब से घर पर मिलने जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे ना, लॉन में सिगरेट पिया करते थे, जो सिगरेट बच जाती थी संजय दत्त से पिया करते थे। एक दिन दत्त साहब ने देखा कि भाई ये पीछे से धुआं कहाँ से निकल रहा है। जाकर देखा तो संजय दत्त सिगरेट पी रहे थे। दत्त साहब समझ गए कि भैया इसकी लगाम खींचनी पड़ेगी, तुरंत बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। 11 साल संजय दत्त बोर्डिंग स्कूल में रहे। कहते हैं वहाँ कुछ बच्चों के कॉन्टैक्ट में आए और कुछ संगत ऐसी हो गई, कंपनी ऐसी हो गई कि उन्होंने शायद थोड़ी बहुत ड्रग्स की शुरुआत वहीं से कर दी थी। और बोर्डिंग स्कूल के बिना उनके कई किस्से हैं। कहते हैं एक साथ 15 लड़कियों को लव लेटर लिख दिया करते थे इस उम्मीद में कि 15 में से कोई एक तो हाँ करेगी। तो शुरू से ही जो है आशिक मिजाज तो थे और खुद भी ये मानते हैं कि भाई था मैं ऐसा। पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता नहीं था संजय दत्त का, खुद ही कहते हैं वो। तो पापा से कहा कि पापा हीरो बनना है। पापा ने कहा अच्छा हीरो बनना है, ठीक है बेटा आओ मैदान में। 2 साल तक ट्रेनिंग करवाई, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करवाई। हीरो बनना आसान काम नहीं होता, ठीक है तुम्हें हीरो बनना है ना, ट्रेनिंग लो। संजय दत्त को लगा कि इतनी ट्रेनिंग भाई हीरो बनने के लिए, मुझे तो लगा था आऊँगा और एकदम ये स्टाइल टाइल मारूंगा बाबा और बन जाऊँगा हीरो। तो 2 साल बाद बोले पापा आप रहने दो, मुझे हीरो नहीं बनना। हालांकि बचपन में रेशमा और शेरा नाम की फिल्म में एक कव्वाली में नजर आए थे। सुनील दत्त साहब की फिल्म थी, एक बच्चे की जरूरत थी तो संजय दत्त को ले लिया उसमें। अब जब हीरो बनने का फैसला हुआ तो पापा ने उनके लिए रॉकी फिल्म बनाई। रॉकी की हीरोइन टीना मुनीम से अफेयर के चर्चे होने लग गए। भाई कहते हैं और किसी से पटे ना पटे फिल्म की हीरोइन से संजय दत्त की जरूर पट जाती है। हीरोइन को लेकर कभी शिकायत नहीं आती कि कोई भी दिक्कत है। आशिक मिजाज शुरू से रहे हैं, अब 308 गर्लफ्रेंड ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगी किसी की। खैर रॉकी की शूटिंग शुरू हो गई, संजय दत्त ने काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान कहते हैं शूटिंग के दौरान पापा खूब डांटा भी करते थे अगर अच्छा शॉट नहीं देते थे तो। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, उनकी माँ नरगिस दत्त की तबीयत खराब हो गई, उन्हें कैंसर हो गया।
सुनील दत्त साहब उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले गए और उस वक्त रॉकी की शूटिंग रुक गई। चाहती थी बेटे की पहली फिल्म है तो वो देखूं, और माँ नहीं चाहती। लेकिन प्रीमियर से महज 5 दिन पहले नरगिस इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पहली फिल्म अपने बेटे की नहीं देख पाई। फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो नरगिस की याद में कुर्सी खाली रखी गई थी। कहते हैं इसी दौरान संजय दत्त ने ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर दी थी। माँ के गम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। इस हद तक वो ड्रग्स के आदि हो गए थे कि ड्रग्स के बिना रह नहीं पाते थे। तनुजा के साथ वो एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें तनुजा को उन्हें थप्पड़ मारना था। डायरेक्टर ने कहा कि इसे आराम से थप्पड़ मारना, बल्कि थप्पड़ मारना ही मत, थप्पड़ मारने की एक्टिंग करना, क्योंकि अगर तुमने जोर से थप्पड़ मारा तो ये गिर जाएगा। अंदर से संजय दत्त का शरीर खोखला हो चुका। कहते हैं उन्होंने अपने पापा से कहा था, पापा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। सुनील दत्त साहब ने उन्हें रिहैब सेंटर भेजा विदेश ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ भी माँ की वजह से ही वो ठीक हो पाए। सुनील दत्त साहब ने उन्हें नरगिस के कुछ ऑडियो टेप्स भेजे जो नरगिस संजय दत्त के लिए रिकॉर्ड करके गई थी। संजय दत्त ने खुद कहा कि जब वो टेप्स उन्होंने सुने, उसी वक्त फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। बाद में उन्होंने फिल्म संजू के जरिए ये सब दिखाया। संजय दत्त ने कहा कि ठीक है मैंने ड्रग्स ली, लेकिन मैंने संजू फिल्म के जरिए ये संदेश भी दिया कि ड्रग्स बुरी चीज होती है और आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। देखिए संजय दत्त की जिंदगी में ना गम बहुत ज्यादा रहे। ऋचा शर्मा से शादी हुई, उन्हें भी कैंसर हो गया, वो अमेरिका चली गई। उनसे एक बेटी हुई त्रिशाला, बेटी को भी वो साथ ले गई थी और बाद में वो भी संजय दत्त को छोड़कर चली गई थी। फिर जिंदगी में कई और हसीनाएं आती रही, लेकिन कोई टिका नहीं। संजय दत्त को जो एक संभालने वाली आप कह सकते हैं वो मिल नहीं पाई थी अभी। फिर मुंबई बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त का नाम आया और जो पर्दे का खलनायक था वो असल जिंदगी का भी जो है खलनायक हो गया, जेल चले गए। उन दिनों कहते हैं माधुरी दीक्षित से उनकी नज़दीकियां थी, शादी करना चाहते थे दोनों, ऐसी खबरें भी हैं। बाद में भी संजय दत्त ने काफ़ी साल बाद कहा कि अगर मैं किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करना चाहूँगा तो वो माधुरी दीक्षित होंगी। ऋचा शर्मा जो उनकी पहली पत्नी थी, उनकी मौत के बाद रिया पिल्लई से संजय दत्त की नज़दीकियाँ बढ़ीं। कहते हैं जेल में रिया पिल्लई उनसे मिलने जाती थी, उनका खूब ख्याल रखती थी और जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तो एक दिन वैलेंटाइन डे के दिन मंदिर में गए और शादी कर ली। जब लौटे थे ना जेल से तो एक धमाकेदार वापसी की थी। वैसे हम सलमान खान की बॉडी की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन सलमान खान को भी संजय दत्त ने इंस्पायर किया था बॉडी बनाने के लिए। वो पहला हीरो मुझे लगता है जिसने सिक्स पैक बनाए थे वो संजय दत्त थे। बड़े बड़े बाल और बॉडी, स्वैग अलग था संजय दत्त का। अच्छा एक बार आपको पता है फिल्म के सेट पर AK-47 लेके चले गए थे। नहीं, वो AK-47 असली नहीं थी, नकली थी, मस्ती के लिए ले गए थे। अच्छा वैसे संजय दत्त को ना भाई के किरदार बहुत दिए जाते हैं। वास्तव 50 तोला सोना, सबसे फेवरेट डायलॉग संजय दत्त का यही है जो वो अपनी माँ को बोलते हैं। कहते हैं कि एक सीन जो संजय दत्त कभी भूल नहीं पाते वो फिल्म सड़क का है। सड़क में संजय दत्त को एक खंबे से लटका दिया जाता है। अगर आपने सड़क देखी होगी तो वो सीन आपको याद होगा। संजय दत्त का कहना है कि वो खंबा जो है वो सीधा नहीं था, वो जमीन पर लेटा हुआ था। तो पहले संजय दत्त को उस खंबे से बांध दिया गया और फिर ऊपर उठाया कुछ लोगों ने, तो संजय दत्त तो एकदम जो है घबरा गए थे, बोले नीचे उतारो भाई नीचे उतारो। जैसे तैसे वो सीन जो है वो पूरा हुआ और संजय दत्त कहते हैं कि उस सीन का शूट जो है वो मैं कभी नहीं भूल सकता।
देखिए रिया पिल्लई से भी वो कुछ वक्त बाद अलग हो गए थे और फिर उनकी जिंदगी में हुई थी मान्यता दत्त की एंट्री। फिल्म गंगा जल में मान्यता दत्त एक आइटम नंबर कर चुकी थी, बॉलीवुड में ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुई थी लेकिन संजय दत्त के दिल में उन्होंने एंट्री पाली थी और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों ने शादी की, दोनों के दो बच्चे हुए और मान्यता ने जिस तरह से संजय दत्त को संभाला वैसा संजय दत्त को कोई नहीं संभाल पाया। दो बच्चे होने के बाद संजय दत्त जेल गए अपनी बाकी की सज़ा पूरी करने। बाहर मान्यता ने परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला और संजय दत्त ने अपनी कहानी को फिल्म संजू के ज़रिए सब लोगों तक पहुंचाया भी। संजय दत्त ये कहते हैं कि मैंने अपनी कहानी सबको इसलिए बताई कि सब इस कहानी से सीख सकें। संजय दत्त इसी दौरान मुन्ना भाई बने। संजय दत्त के लिए ये सबसे बड़ा कैरेक्टर था। पहली बार मुन्ना भाई MBBS में उन्होंने पापा सुनील दत्त के साथ काम किया था और इस कैरेक्टर ने उनकी इमेज को बदल कर रख दिया था। आपने भी मुन्ना भाई से इंस्पायर होकर शायद गांधीगिरी दिखाई होगी कई बार, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। और किस तरह संजय दत्त आपको पसंद हैं, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है, कौन सा डायलॉग आपको सबसे अच्छा लगता है और संजय दत्त की कहानी आपको क्या सिखाती है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे नायक बहुत कम होते हैं जो खलनायक से असल जिंदगी में भी नायक बनते हैं। और आखिर में मैं तो यही कहूँगा कि वो मुन्ना हैं, भाई नहीं है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।